नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे लाइव लेक्चर्स में। आज हमारे साथ इस व्याख्यान के लिए जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर मिश्र सेंट स्टीफन्स कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं एवं कई वर्षों से अध्ययन एवं अध्यापन के कार्य में तल्लीन हैं। मित्रों, आज हमारे जो व्याख्यान का विषय है वो हमारी एक श्रृंखला चल रही है मुद्रा राक्षसगम, उसका छठा भाग है। हम अभी तक पांच भाग इसमें डिस्कस कर चुके हैं और आज हम छठे भाग में दूसरे अंक को ही कंटिन्यू करते हुए उसमें चर्चा करेंगे। आइए आपको लेके चलते हैं डॉक्टर मिश्र की तरफ। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मिश्र, और हमें कृपया इस नाटक के बारे में और जानकारी प्रदान करें। थैंक यू दीक्षा जी। सुप्रभातम मित्रों, मुद्रा राक्षसम एक श्रृंखला जिसमें कि हमने द्वितीय अंक को अभी कंटिन्यू किया है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी परिचर्चा प्रारंभ करूं, हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षसम से संबद्ध और मेरे व्याख्यान से संबद्ध कुछ क्वेश्चन रखे हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो मेरी व्याख्या को लेकर के वैभव कुमार शुक्ल जी ने पूछा है, और उनका प्रश्न यह था कि हमने सप्तम अंक के आधार पर यह आरोपित करने का या बल्कि यह स्थापित करने का प्रयास किया कि समर्पण चाणक्य भी करता है दैव इति शब्द के माध्यम से, हम इसको कैसे समझें। मित्रों देखें, प्रत्यक्षतः तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त चाणक्य समर्पण करता है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी विचारधारा में उस विचारधारा को जिसका कि वो आज तक विरोध करता रहा है अगर शामिल कर लेता है तो कहीं ना कहीं वह भी एक प्रकार से समर्पण होता है। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि चाणक्य केवल और केवल अपनी बुद्धि अर्थात कर्म को महत्व दे रहा है, जबकि दूसरी ओर राक्षस केवल और केवल भाग्य को महत्व दे रहा है, दैव शब्द का पुनः पुनः वह प्रयोग करता है। और ठीक इसके विपरीत चाणक्य न केवल अपनी बुद्धि को महत्व देता है बल्कि वह जो भाग्य को मानता है उसको मूर्ख भी कहता है, दैवम अविद्वांसः प्रमाणयन्ति, यह वाक्य है, चाणक्य का संवाद है। लेकिन जब अंतिम में जब राक्षस समर्पण करता है चाणक्य के सामने कह लें, चंद्रगुप्त के सामने कह लें, या अपने मित्र की रक्षा के लिए कह लें, चाणक्य प्रसन्न है, राक्षस उसके सामने है, राक्षस के मन में भी चाणक्य के प्रति एक पॉजिटिव आस्था उभरती है जिसे वो आज तक दुरात्मा समझता रहा उसे महात्मा कहता है। इसी में चाणक्य के पक्ष का कोई एक अधिकारी, कोई एक सामान्य अधिकारी चाणक्य से कहता है कि सर ये आपके कारण राक्षस ने समर्पण किया है, तो उस पर चाणक्य जवाब देता है कि मूर्ख दैवेन इति ब्रूहि, यानी भाग्य ने इनको समर्पण करवाया है ऐसा कहो, अर्थात चाणक्य भी भाग्य को स्वीकार कर रहा है। मेरा केवल इसी एक बिंदु से ये ले है यहां पर अर्थ ग्रहण करना कि चूंकि उसने भाग्य को स्वीकार किया और वह कहता है कि भाग्य के कारण, हाँ हो सकता है कि यह चाणक्य की मॉडेस्टी है, यह चाणक्य की विनम्रता है, लेकिन हम अगर यह कहें कि यह राक्षस के स्वर में स्वर मिला रहा है तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि यह एड्रेस राक्षस को नहीं किया जा रहा है, यह एड्रेस अपने पक्ष के किसी एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, यानी सामान्य प्लेटफॉर्म में यह कन्वर्सेशन का विषय नहीं है, अर्थात कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चाणक्य के अंतःकरण में भाग्य के जो फलाफल है वो है, वो विद्यमान है, वह चिंतन पथ में लाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने विचारधारा से चूंकि कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो यह भी एक प्रकार का समर्पण है। आगे ये सातवें अंक का प्रसंग है, जब हम सातवां अंक में पहुंचेंगे तब तक और कई सारी बातें आएंगी, कई भेद खुलेंगे, तो उस क्रम में मैं इन पक्ष पर और टिप्पणी चलता देता जाऊंगा। आज हम लोगों ने अच्छी तरह से, अगर आप लोग पिछली श्रृंखला को अगर स्मरण कर पा रहे होंगे तो वहां पर हमने एक कंचुकी के प्रवेश के माध्यम से कुछ वहां पर विषय को आपके सामने प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार अपने ही पक्ष का कंचुकी अपने ही लोगों के प्रति किस प्रकार एक नेगेटिव भावना लेके चल रहा है, जहां पर राक्षस को लोभ कह रहा है आदि।
इसके बाद वो आभूषण देता है, भेजा गया जो मलयकेतु ने भेजा है आभूषण राक्षस को पहनने के लिए, मलयकेतु का वह आभूषण कंचुकी यानी जाजली देता है राक्षस को, और हमने वहीं खत्म किया था। इसके बाद कंचुकी का प्रस्थान हो जाता है, आहितुंडिक फिर फ्रेम में आता है, मंच पे दिखता है, यानी मंच से उसका प्रस्थान नहीं है, केवल यही है कि वो फ्रेम में नहीं है, फ्रेम जो है वो जो फोकस जो है वो कंचुकी की ओर शिफ्ट है। अगर थिएटर की भाषा में, नाटकीय भाषा में कहें तो फ्रेम का मतलब है कि मंच पर जो सामाजिकों की दृष्टि है, दर्शकों की जो दृष्टि है, वो फोकस हो गया है राक्षस और कंचुकी के कन्वर्सेशन पे। अब यहाँ पर पुनः विराधगुप्त को दिखाया जाता है, विराधगुप्त आहितुंडिक, पुनः पुनः इसकी व्याख्या अब अपेक्षा नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे कि यह राक्षस का मित्र और गुप्तचर है। यह प्रियंवदक जो प्रत्याहारी है उसके माध्यम से संदेश भेजता है कि आप उन्हें कहिए कि एक सपेरा आया है और वह सांप के साथ खेलना चाहता है, दूसरे शब्दों में आपको सांप का खेल दिखाना चाहता है। यहीं पर एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, और वह क्या है कि जब यह प्रियंवदक यह संदेश जब देता है राक्षस को, तो राक्षस के साथ ब्रैकेट में पाएंगे वहां लिखा हुआ है कि वामाक्षी स्पंदनम सूचयित्वा, यानी बाई आंख फड़क रही है, इस प्रकार का संकेत प्रकट होगा राक्षस के अभिनय से। और राक्षस का इमीडिएटली डायलॉग आता है वहां पर, कथम प्रथममेव सर्प दर्शनम। मित्रों विवेचन करें, विश्लेषण करें, मैंने पिछले में शकुन अपशकुन की चर्चा की थी, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सांस्कृतिक मान्यता है, इसमें इस शकुन अपशकुन का निषेध नहीं है। प्रश्न केवल यही उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा होने से ऐसा फल होता है, या ऐसा हो गया इसीलिए यह फल मिला। इस प्रकार का जो विवेचन है यह कार्य कारण संबंध की अपेक्षा रखता है, तब जाकर के हम शकुन अपशकुन की स्थापना करते हैं। प्रश्न पुनः यहां पर शकुन अपशकुन का विवेचन नहीं करना है, बल्कि प्रश्न यहां पर यह है कि महाकवि विशाख दत्त ने पुनः पुनः अपने चरित्रों में और सविशेष राक्षस में इन्होंने इस शकुन अपशकुन को दिखाया है। कालिदास ने भी अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत में दिखाया है। अस्तु यहां देखिए क्या हो रहा है कि जे कहता है कथम प्रथममेव सर्प दर्शनम, अर्थात शकुन अपशकुन विज्ञान में सांप को देखना, अर्थात किसी यात्रा किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप निकल रहे हो और अगर सर्प दर्शन हो जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। तो मानो इस प्रकार के वाक्य से विशाख दत्त ने इस विज्ञान की यहां पर स्थापना की है। दो शब्द है, दो प्रयोग है, एक ब्रैकेट में प्रयोग है वामाक्षी स्पंदनम सूचयित्वा, और दूसरी ओर संवाद प्रत्यक्ष संवाद है जो कि राक्षस के मुख से निकाला गया, यद्यपि ये आत्मगतम है लेकिन उस राक्षस को पूरी तरह से इस विज्ञान में निष्ठ दिखाया जा रहा है। अस्तु फिर वो प्रियंवदक को राक्षस आदेश देता है कि न न कौतूहलम सर्पेशु, अर्थात मेरा मन सांप देखने या सांप के खेल को देखने में मेरा मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए हे प्रियंवदक जाकर के कहो तत्परितोष्य विसर्जयेनम, उनको कुछ पैसे कुछ पारितोषिक देकर के उनको कहो कि भाई जाओ, क्योंकि राक्षस अर्थात मैं मुझे राक्षस को या मेरे जो स्वामी राक्षस है उनको रुचि नहीं है इस सांप के दर्शन में, सांप को देखने में। मित्रों इसके अनंतर क्या होता है कि यही संवाद प्रियंवदक आहितुंडिक को देता है, लेकिन आहितुंडिक उस पर कहता है कि भद्रमुख विज्ञापय अमात्यम, कि हे प्रियंवदक हे अच्छे विचार वाले आप जाकर के अमात्य से कहें कि न केवलम सर्पजीवी प्राकृत कवि खल्वहम, कि मैं केवल सांप की जीविका दिखा करके सांप का खेल दिखा करके अपनी जीविका का परिपालन करने वाला नहीं बल्कि मैं प्राकृत कवि भी हूं। मैं प्राकृत, देखिए प्राकृत कवि के दो अर्थ हो सकते हैं, एक यह अर्थ कि प्राकृत भाषा में कविता लिखने वाला प्राकृत कवि हुआ, दूसरा अर्थ यह भी ले सकते हैं कि लोक भाषा में कविता करने वाला
जो है वो प्राकृतिक कवि है, और तीसरा यह भी अर्थ हो सकता है कि मैं एक कवि हूँ, सहज कवि हूँ, जिस जो कविता भी करता हूँ। मैं केवल सांप का खेल नहीं देखता। अगर आपको सांप का खेल देखने की इच्छा नहीं है तो आप मेरी कविता सुन सकते हैं। तस्माद् यदि मैं दर्शनेन अमात्यः प्रसादं न करोति तदा एतत् पत्रकं वाचयतु इति। अगर आप इनसे भी प्रसन्न ना हैं, अर्थात अगर आप सांप का खेल न देखना चाहते हो, कविता न सुनना चाहते हो, तो ये पत्र मैं दे रहा हूं, ये पत्र आप राक्षस को दे देना, ये पत्र आप उनको पकड़ा देना। प्रियंवदक वैसा ही करता है, आता है और वह पत्र पकड़ाता है। जैसे ही पत्र वह आता है, उस पत्र में एक पद्य लिखा हुआ है। वो पद्य है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा कि ग्रीन में है, हरे में, कि पीत्वा निरवशेषम कुसुम रस मात्मनः कुशलतया यदुद्गिरति भ्रमरः अन्येषां करोति तत्कार्यम्। मैं इसकी व्याख्या बाद में करूंगा, लेकिन संबंध हम जोड़ लें कि इससे पहले भी हमने जब संबंध बनाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि विराध गुप्त का जो प्रथम प्रवेश, अर्थात द्वितीय अंक में जो प्रथम प्रवेश है विराध गुप्त का, उस समय भी उसने एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए किया था कि जानन्ति तंत्र युक्तिम यथास्थितम मंडलम अभिलिखन्ति ते मंत्र रक्षण परास्ते सर्प नराधिपा उपचरन्ति। इसी प्रकार जब चाणक्य के गुप्तचर चाणक्य से मिलने आता है और चाणक्य का शिष्य उस गुप्तचर को आने से रोकता है, तो उस समय भी चाणक्य का वह गुप्तचर एक संकेत भेजता है, अपने पद्य के माध्यम से एक संकेत भेजता है, और वो है कमलानाम मनोहराणाम अपि रूपाद विषम वदति शीलम संपूर्ण मंडले पियानी चंद्रे विरुद्धानी। चूंकि राजनीति परक यह नाटक है, इसलिए इस संकेतात्मकता की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि गुप्तचर जब भी कोई कार्य करता है तो प्रत्यक्ष किसी बात को स्पष्ट नहीं करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किरातार्जुनीयम में भी महाकवि भारवी अपने गुप्तचर को जब युधिष्ठिर से के पास भेजता है तो वो रहस्य यानी एकांत में बात करने के लिए कहता है, और एकांत में बात करता है और तब जाकर के वो अपनी सारी रिपोर्टिंग वहां पर करता है। तो ये जो पत्र है, उस पत्र में एक संकेत छिपा हुआ है, और वो संकेत पहले मैं सामान्य अर्थ ले रहा हूं, पीत्वा निरवशेषम कुसुम रसमात्मनः कुशलतया यदुद्गिरति भ्रमरः अन्येषां करोति तत्कार्यम्। उसका एक सामान्य अर्थ ये है कि कुशलतया अर्थात अपनी अत्यंत प्रवीणता से, आत्मनः कुशलतया अपनी कुशलता से, अपनी प्रवीणता से, दक्षता से, भ्रमरः जो भ्रमर है वह निरवशेषम कुसुम रसम पीत्वा अर्थात अशेष समग्र सारे के सारे कुसुम के रस को, पुष्प रस का पान करके जब उसे उगलता है तो दूसरे का ही कार्य करता है, दूसरे का ही उपकार करता है। सामान्य भाषा अगर हम लें कि ये जो भ्रमर आदि पुष्प रस जब लेता है तो उसी से कालांतर में मधु आदि का निर्माण होता है। तो सामान्य अर्थ तो यह हुआ, लेकिन अब इसमें देखें संकेत क्या है। संकेत इसमें यह है, कुसुम रसम का अर्थ हम ले लेंगे कुसुम पुरस्य रसम, अर्थात कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र के सारे रस को पी करके कुशलतया अर्थात मैं गुप्तचर अपनी समग्र कुशलता से पाटलिपुत्र के समग्र वृत्तांत को जान करके, भ्रमर शब्द यानी मैं भ्रमर अर्थात गुप्तचर जो मैं सुनाऊंगा, यदुद्गिरति यानी अर्थात जो मैं सुनाता हूं, अब इसको अपनी हिंदी के मुहावरे के अनुसार ले लें कि जो मैं सुनाऊंगा वह है सर आपका ही उपकार करेगा, अर्थात मैंने आपके लिए ही ये सारा का सारा आयोजन किया है, आपने हमें यह कार्य दिया था और मैं आपके लिए यह सूचना लेकर के आया हूं। यहीं पर चाणक्य और राक्षस में एक विशिष्ट हम अंतर पाते हैं, और वह विशिष्ट अंतर यह है कि चाणक्य शीघ्र ही अपने सारे गुप्तचर को उन संकेतों से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए राक्षस को यह विस्मरण सा है कि यह कौन है क्या है, लेकिन जब यह पत्र पढ़ता है उस पत्र के वाचन के अनंतर उनको यह ज्ञात होता है कि अरे ये हमारा तो मित्र विराध गुप्त है जिन्हें हमने कुसुमपुर की जानकारी के लिए नियुक्त कर रखा था। अब जरा देखें क्या कहते राक्षस का क्या है डायलॉग। अरे कुसुमपुर वृत्तांतज्ञो
भवत प्रनिधि रीति गाथार्थ, अर्थात ये जो गाथा है, ये जो कविता इन्होंने भेजी है इस पत्र में लिख करके, इसका सामान्य अर्थ यही है कि कुसुमपुर के सारे वृत्तांत को जानने वाला मैं आपका सेवक हूं, आपका गुप्तचर हूं। इसलिए अब आगे है कि कार्य व्याग्रत्वात् मनसः प्रभुतत्वाच्च प्रनिधीनाम विस्मृतम, कि कार्य में कर्तव्य में इतना अधिक मैं बिजी रह गया, इतना एनग्रॉस्ड रहा कि मैं अपने गुप्तचर को भी नहीं पहचान पा रहा हूं, या अपने गुप्तचर को भी नहीं पहचान पाया। इदानीं स्मृति रूपलब्धा, अब जाकर के हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये क्या बात है, इस पत्र का क्या संकेत है। व्यक्त माही तुंड का छद्मना विराध गुप्ते नानी न भवितव्यम, स्पष्ट है कि आहितुंडिक के वेश में जो छिपा हुआ विराधगुप्त है यह वही होगा। अपने प्रतिहारी को आदेश देता है, प्रियंवदक को आदेश देता है कि प्रवेश एनम, जाओ उसको बुला लो। सुकविरेश, यह जो है एक अच्छा कवि है, श्रेष्ठ कवि है, सुंदर कविता करने वाला यह कवि है। श्रोतव्यम अस्मात् सुभाषितम, हम इनके इस सुभाषित को सुनेंगे। मित्रों, दो पक्ष जो कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है काव्य से, नाटक से, लेकिन हम ये जरूर देखें कि कवियों की चर्चा यहां पर विशाखा दत्त कर रहे हैं और प्राचीन काल में कवियों का क्या सम्मान रहा है। इसलिए देखेंगे, कह रहे कि श्रोतव्यम इदानीम, या श्रोतव्यम अस्माभिः, या श्रोतव्यम अस्मात् सुभाषितम, हम इससे इनके इस सुभाषित को, सुंदर वचन को सुनेंगे। अगर आपको इस सुभाषित शब्द से स्मरण आ रहा होगा, ठीक इसके विपरीत अवधारणा नीति शतकम में महाकवि भर्तृहरि लेकर के चलते हैं, जब वो पद्य का निर्माण करते हैं कि वो धारो मत सरक ग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधोप हताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। मित्रों, वहां पर जब सुभाषितम का हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो सुंदर वाणी ग्रहण करते हैं। यद्यपि यहां पर भी सुंदर वाणी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, अनुकूल वाणी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, पाटलिपुत्र से संबद्ध अपने पक्ष में जो आने वाली सूचना है यह भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्षतया यहां सुभाषित कविता को कहा गया। तो अगर यहां से इसे सुभाषितम का अर्थ हम कविता ले लें और तब जाकर के भर्तृहरि के नीति शतकम के उस पद्य का अर्थ लगाएं कि जीर्ण मंगे सुभाषितम, तो इसका यह अर्थ हो जाता है कि कवियों ने जो कविता बनाई है, या भर्तृहरि ने जो कुछ सुंदर कविता बनाई है, उस कविता को सुनने वाला उस समाज में कोई नहीं है, इसलिए उनकी वह कविता उनके मुंह में ही गल पच रही है। अस्तु, ये थोड़ा सा अवांतर था, मैंने संबंध बनाने की कोशिश की है कि किस प्रकार हम सुभाषितम शब्द के अर्थ ग्रहण को हम स्थापित करेंगे। अस्तु, अब हम जो पूरा एक देखते हैं, आहितुंडिक को बुलाया जाता है, आहितुंडिक प्रवेश करता है। आहितुंडिक के प्रवेश करने के बाद जिस प्रकार वह आहितुंडिक को देखता है, सहृदय राक्षस पूरी तरह से क्या है, अभिभूत हो जाता है, द्रवित तो होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अरे ये मेरा मित्र विराध गुप्त है कि जिसको, जिनकी दाढ़ी जो है विरुद्ध विरूढ़ स्मश्रु शब्द प्रयोग है, क्या था, जिनके दाढ़ी जो है वो बढ़े हुए हैं, यानी जब से नंद का, ये नंद का विनाश हुआ है तब से सारी की सारी स्थितियां चरमराई हुई है। जो कभी अच्छी स्थिति में रहने वाले थे आज वो धूल में सने हुए हैं, दाढ़ी उनके बढ़े हुए हैं, इस रूप में है। हम आहितुंडिक के कन्वर्सेशन से जो समग्र है, कई सारी सूचनाएं आहितुंडिक देता है, वस्तुतः समग्र सेकेंड एक्ट का जो मूल है वही आहितुंडिक की सूचनाओं का विवेचन, सूचनाओं का विश्लेषण, उन सूचनाओं से राक्षस के ऊपर प्रभाव और राक्षस के ऊपर प्रभाव का परिणाम क्या निकलता है, यही हम आहितुंडिक को देखते हैं। यद्यपि अगर कहें तो यह पूरा का पूरा नाटक द्वितीय अंक आहितुंडिक के द्वारा दी गई सूचना पर केंद्रित है। मित्रों, जरा देखें क्या है पहली सूचना। पहले है कि सर्वार्थ सिद्धि का सुरंग से तपोवन भागना। क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त की सेना, अर्थात चाणक्य के द्वारा जो संचालित चंद्रगुप्त है उसकी सेना और पर्वतेश्वर की सेना ने समग्र कुसुमपुर को घेर लिया, तो भय से सर्वार्थ सिद्धि एक सुरंग से तपोवन भाग गया। देखिए कितना सहज है, यह सुरंग व्यवस्था आज भी हमारे यहां है। राजा महाराजा अपनी जान बचाने के लिए या बड़े लोग अपने को गुह्य मार्ग से निकलने के लिए इस प्रकार के सुरंग बनाया करते थे। दूसरी सूचना है कि जब नंद राज्य का तो पतन हो गया,
पर्वतेश्वर की मृत्यु हो गई, तो आप यानी आप राक्षस पुनः नंद राज्य की स्थापना के लिए उस पाटलिपुत्र से भाग जाते हैं, अर्थात नंद राज्य की स्थापना के लिए आपका भी सुरंग से भागना। ये सारी बातें आहितुंडिक के कन्वर्सेशन से निकल के आ रही है, यानी इसका मतलब यह नहीं कि राक्षस को यह सूचना दी जा रही है कि हे राक्षस आप भी भाग गए, बल्कि वो रिलेशन संबंध बना रहे हैं यहां पर पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र की समग्र जो व्यवस्था है, पाटलिपुत्र की जो चरमराई हुई स्थिति है, उनको यहां पर उनको यहां पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि भाग गया, राक्षस भी भाग गया, और उसके बाद क्या हुआ कि जब पर्वतेश्वर की मृत्यु हो गई, तो पर्वतेश्वर की मृत्यु के बाद मलय केतु को भी भय होता है और मलय केतु भी कुसुमपुर से भाग जाता है। तो ये तीन वैक्यूम क्रिएट हो रहा है पाटलिपुत्र में, अर्थात यदि कोई चंद्रगुप्त या चाणक्य के विरुद्ध में संघर्ष रह करके करता तो वो तीनों के तीनों लोग वहां से भाग चुके हैं। सर्वार्थ सिद्धि भाग चुका है, मलयकेतु भाग चुका है, और आप राक्षस भाग चुके हैं। अब इस बीच में क्या हुआ कि जब ये सारी स्थिति हो गई, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो हम आप सभी जानते हैं कि चाणक्य ने ही पर्वतेश्वर को मरवाया है। ये अलग विषय है कि पर्वतेश्वर को जिससे मरवाया, जिसके द्वारा मरवाया, वो राक्षस का भेज राक्षस के द्वारा भेजी गई विषकन्या थी। तो सामान्य लोगों में तो यह है कि विषकन्या से मारा, विषकन्या ने पर्वतेश्वर का वध किया है, इसलिए मूल रूप से जो यह है राक्षस ही इसके मौत का जिम्मेदार है। लेकिन मूल विषय यह है कि उस विषकन्या को प्रेरित कर दिया चाणक्य ने पर्वतेश्वर में, तो इसलिए क्योंकि यहां पर इंटेंडेड है, ये इंटेंशन है कि पर्वतेश्वर ना रहे, क्योंकि पर्वतेश्वर रहेगा तो राज्य का आधा हिस्सा मांगेगा, और कभी भी चाणक्य इस मूड में नहीं था कि वो राज्य का आधा हिस्सा करे, आधा पर्वतेश्वर को दे और आधा चंद्रगुप्त को दे। इसीलिए मांगने वाला ना हो तो पर्वतेश्वर की मृत्यु करवा देता है। लेकिन अगर चूंकि सामने तो संधि हुई है, और अगर पर्वतेश्वर को राज्य का आधा हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो चाणक्य के प्रति प्रजा में एक असंतोष उत्पन्न होगा कि कैसा यह व्यक्तित्व है, इन्होंने स्वयं संधि की और उस संधि को तोड़ दिया। तो इसलिए इन्होंने एक और क्या कि उसके बाद मलय केतु होता, तो मलय केतु के मन में भय उत्पन्न करके, और भय उत्पन्न करवाया किससे, भागुरायन से, और वो भागुरायन के साथ मलय केतु भी भाग जाता है। लेकिन चाणक्य यह दिखाना चाहता है पाटलिपुत्र की प्रजा को कि देखो भाई मैंने संधि की है और मैं संधि का पालन कर रहा हूं, और इसके लिए उन्होंने पर्वतेश्वर का भाई एक है वैरोचक, उस वैरोचक को उन्होंने यह विश्वास में लिया कि मित्र वैरोचक मैं आपको आधा राज्य दूंगा, मेरी ये क्या मैं कहूं, पर्वतेश्वर रहे नहीं, उनको दुष्ट राक्षस ने मरवा दिया और मलय केतु भाग गया, तो अब मैं किससे बात करूं। तो वैरोचक को वो पूरी तरह से अपनी एक तरह से यह विश्वास दिलाना ट्रैप करता है, क्योंकि नंद की प्रतिज्ञा है कि नंद वंश के, चाणक्य की प्रतिज्ञा है कि नंद वंश के अंकुर तक को वह जीवित नहीं रहने देगा। तो वैरोचक को वह आधा राज्य देने का पूरा विश्वास देता है चाणक्य, अपनी बातों में उनको शामिल करता है। और तदनंतर क्या होता है, ये जब सारी बातें जब हो गई तो वैरोचक का राज्याभिषेक होगा, और उस राज्याभिषेक के अनंतर चंद्रगुप्त नंद भवन में प्रवेश करेगा, इसकी एक तिथि निश्चित की गई। चंद्रगुप्त नंद भवन में प्रवेश करेगा, यहां पे नंद भवन शब्द को हम विड्रॉ कर ले, हम यूं कहें कि जो राजकीय आवास है उस राजकीय आवास में प्रवेश करेगा। हमने पुनः पुनः बताया है कि इस राजकीय आवास का नाम है सुगांग प्रासाद। तो इस सुगांग प्रासाद में चंद्रगुप्त के प्रवेश की तिथि निश्चित कर दी गई। अब उसके बाद क्या है कि जब यह स्थिति निश्चित कर दी गई तो एक सामान्य उसकी व्यवस्था होगी, उसकी तैयारियां की जाएगी। अब इस तैयारी के लिए चंद्रगुप्त के नंद भवन में प्रवेश के लिए उससे पूर्व की जो सारी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को देखने के लिए चाणक्य अपने राज्य के शिल्पियों से मिलता है। इससे पहले कि मैं उस शिल्पी वाला वृत्तांत आगे लेकर के चलूं, आप पाएंगे कि स्क्रीन पे एक बहुत ही लगभग 7 बिंदु है, और उस 7 बिंदु के ऊपर हमने कुछ नाम ले रखा है, नाम दे रखा है। वो नाम है दारुवर्मा, वरवरक, अभयदत्त, प्रमोदक, विभत्सक,
करभक, एक और नाम मिसिंग है यहां पर, वो है स्तन कलश। तो ये कुछ राक्षस के गुप्तचर है, जिन गुप्तचरों का यहां पर, गुप्तचरों की सफलता या असफलता है इसका विश्लेषण करेंगे कौन, आहितुंडिक, और एक एक व्यक्ति का क्रमशः मैग्नीफाइंग ग्लास पे किसकी, किसने क्या किया, किनको कितनी सफलता मिली, किनको कितनी असफलता मिली, वो पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो उनके सामने देगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो आहितुंडिक राक्षस के गुप्तचरों के बारे में यहां प्रस्तुत करेगा। और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जो सूत्र, अब एक एक उदाहरण लें। सबसे पहला नाम है दारुवर्मा। वस्तुतः स्थिति क्या उत्पन्न हुई कि जब शिल्पियों से मिल रहा है, तोरण द्वार आदि का निर्माण करवाया जाना है, आप समझ सकते हैं कि जिस सुगंगा प्रासाद में जो नया राजा प्रवेश करेगा तो उनका पूरा दोनों तरफ से साज सज्जा होंगे, द्वार निर्माण होगा आदि, जो भी सामान्य भाषा में हम कह लें कि जो रंगाई पुताई होती है वो सारी व्यवस्था करनी है, और वो सारी की सारी व्यवस्था करने वाले कौन होंगे, शिल्पी होंगे। तो जब ये चर्चा कर ही रहे हैं कि उन्हीं में से कुछ शिल्पियों ने ये कहा कि हे अमात्य चाणक्य, कि सूत्रधार दारुवर्मा, यहां सूत्रधार शब्द से मतलब है सूत्र, अर्थात जो गृह निर्माण का कार्य करता है, आम भाषा में जिसे हम राजमिस्त्री कहते हैं, वो जो दारुवर्मा है, उस दारुवर्मा ने तोरण द्वार का निर्माण कर दिया। एक क्षण के लिए, जो देखिए प्रकट नहीं होता लेकिन चाणक्य के अंतःकरण में ये बात हो जाती है कि मैंने तो कहा नहीं, मैंने अपॉइंट किया नहीं, मैंने आदेश नहीं दिया, ये अपने मन से कैसे तोरण द्वार का निर्माण कर दिया। सामने में प्रत्यक्ष रूप से सारे शिल्पियों को वो कहता है कि चाणक्य कहते हैं कि मैं उनको उचित समुचित पारितोषिक दूंगा, बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने, चलो सूत्रधार के द्वारा जो तोरण द्वार है उसका निर्माण हो जाता है, वैरोचक का राज्याभिषेक हो जाता है जिसकी सूचना हमने दी। अब इसके बाद क्या है कि जो तिथि निकाली गई है वो अर्धरात्रि में, यानी आधी रात में चंद्रगुप्त नंद भवन प्रवेश करेगा। लेकिन इन सब के बीच देखें चाणक्य की कूटनीति, हम कूटनीति से भी ज्यादा गुह्य नीति, गुह्य नीति से भी ज्यादा चाणक्य की यह दूरदर्शिता है कि किस प्रकार इस एक प्रवेश के क्षण जो घटने वाली घटना है उनकी यहां पर व्याख्या होगी, किस प्रकार चाणक्य की दूरदर्शिता ने चंद्रगुप्त की रक्षा की है। नंद भवन का जो प्रवेश है, उस प्रवेश में जो राजा चंद्रगुप्त है उनको एक हथिनी के ऊपर बैठना है, जिस हथिनी का नाम है चंद्रलेखा। तो चंद्रलेखा पर बैठ करके चंद्रगुप्त नंद भवन में प्रवेश करेगा। लेकिन जो गुह्य नीति मैंने बात कही, मैंने जिस दूरदर्शिता की बात की, उस जगह पे चंद्रगुप्त को ना बिठा करके वैरोचक को बिठा दिया जाता है। कौन वैरोचक? पर्वतेश्वर का भाई। अब पर्वतेश्वर के भाई वैरोचक को यहां बिठा दिया जाता है और इस प्रकार से उनको सजाया जाता है, या दूसरे शब्दों में इस प्रकार से उनको, उनके चेहरे को कवरअप कर दिया जाता है कि सामने वाले को यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि यह वैरोचक है या चंद्रगुप्त है। सामान्य सूचना प्रजा में यह है कि इस हथिनी पे बैठ के चंद्रगुप्त जाएगा, तो वैरोचक को वह बिठा देता है। इसी बीच क्या है कि दारुवर्मा और वरवरक की क्या योजना है, हम उस योजना की चर्चा करेंगे। लेकिन उस योजना की चर्चा से पूर्व मैं भी चाणक्य की तरह उस योजना को गुह्य रख रहा हूं, ताकि आप इस विराम के बाद देखने सुनने जरूर आए। तो मैं कुछ क्षण मात्र के लिए विराम लेता हूं, पुनः उस योजना का उद्घाटन आपके सामने करूंगा। पूरी तरह से जो एक जासूसी उपन्यास वाला जो आनंद है, वह आनंद आपको इस मुद्रा राक्षसम के व्याख्यान में लगेगा। तब तक के लिए विराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्र। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये रोचक जानकारी प्राप्त करने में बहुत अच्छा हुआ मिला होगा, एवं आपका ज्ञानवर्धन ज़रूर हुआ होगा। मित्रों, जैसे कि डॉक्टर मिश्र ने बताया कि वो इस गुह्य योजना पर एक ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, तो आप सभी से हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं इस व्याख्यान से जुड़े, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर आखिर के 10 मिनटों में कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस अल्प विराम के बाद बहुत बहुत स्वागत है। विराम पे जाने से पहले डॉक्टर मिश्र ने जैसे कि आपको बताया था कि वो इस घुए योजना पर आगे चर्चा करेंगे। आइए आपको इस योजना की तरफ लेके चलते हैं और ज़्यादा देर ना करते हुए डॉक्टर मिश्र की तरफ लेके चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके कोई भी प्रश्न है इस व्याख्यान से जुड़े तो आप हमें आखिर के 10 मिनटों में कॉल कर कर पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। आइए चलते हैं इस योजना की तरफ। कृपया डॉक्टर मिश्रा हमें इस गुहे योजना के बारे में और बताइए। थैंक यू दिशा जी। मित्रों, जो दारू वर्मा और वरवरक है जिनकी योजना की अभी मैंने चर्चा की थी, ये दोनों विशुद्ध रूप से राक्षस का गुप्तचर है और राक्षस के द्वारा नियुक्त करवाया गया है। इनकी योजना यही है कि तोरण द्वार का जो निर्माण किया गया है, उस तोरण द्वार के ऊपर एक यंत्र इन्होंने लटकाया है दारू वर्मा ने, जिसे यंत्र के गिरने से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होगी। और यदि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु नहीं भी होती है तो जो वरवरक है वह क्या है, उस हथिनी का महावत है, उसको कंट्रोल करने वाला है। अर्थात वरवरक से आगे, वैरोचक से आगे वरवरक बैठा रहेगा। अगर चंद्रगुप्त के ऊपर वह तोरण द्वार नहीं गिरता, वो यंत्र नहीं गिरता, तो वरवरक के भी हाथ में एक छुरी है, डैगर है, आप जिसे कह सकते हैं, छिपा हुआ एक गुह्य अस्त्र है, जिससे कि क्या होगा कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को वहां पर मार देगा। तो ये इस योजना से वह वहां बैठा हुआ है। होता क्या है लेकिन कि स्थिति इसके ठीक विपरीत बनती है और जो तोरण द्वार है, जैसे ही उसके नीचे चंद्रलेखा हथनी के नीचे वो जाते हैं तो वो तोरण द्वार जो गिरना है, गिरना होता, वो देखता है कि नहीं, यंत्र जो है उस यंत्र से चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मारा जाता है। और जिस लोहे की कील पे उस तोरण द्वार का निर्माण किया गया था, दारू वर्मा भी उस लोहे के कील को लेके गिरता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो गिर पड़ता है वरवरक के शरीर पे। वरवरक तो इसी तरह से मारा जाता है, बचा रह गया, अच्छा वैरोचक भी मर गया, बचा रह गया दारू वर्मा। जब दारू वर्मा बचा तो दारू वर्मा को लोगों ने, भीड़ ने पत्थर मार मार के पीट पीट करके वहीं पर उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से राक्षस के द्वारा नियुक्त दो गुप्तचर मारा जाता है, जिसकी सूचना अभयदत्त देता है। इसके बाद राक्षस पूछता है कि अच्छा भाई बताओ अभयदत्त का क्या होता है। अभयदत्त अपने समय का या पाटलिपुत्र में उस समय का सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता था, इसलिए कि स्वयं महाकवि विशाखदत्त ने संवाद में राक्षस को शब्द दिया है अभयदत्त के लिए कि अहो महान विज्ञान राशि, जो विज्ञान का बहुत बड़ा जो समूह था, अर्थात कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसे डॉक्टर की बात पूछी जा रही है। इसका काम था डॉक्टर का कि यह कह सकते हैं कि यह पर्सनल डॉक्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का। मित्रों, यह जिस क्षण चंद्रगुप्त मौर्य को पीने के लिए औषधि दे रहा है, दवाई दे रहा है, वस्तुतः वो दवाई नहीं है, वह विष है। आप पाएंगे पांचवें बिंदु में हमने लिखा है कि विष प्रयोग के क्षण अभयदत्त का मारा जाना। वो जिस प्याली में, प्लेट में वह देता है अभयदत्त को विष दवाई, औषधि समझ के पीने के लिए, वो जो प्याली है और जो विष है, उस दोनों के मध्य रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन का परिणाम क्या होता है कि जो प्लेट है उस प्लेट का कलर फेड हो जाता है, यानी डिसकलर हो जाता है। चाणक्य वहीं बैठा है, चाणक्य की दृष्टि उस पर जाती है, चाणक्य का कान खड़ा होता है, चाणक्य सावधान हो जाता है, समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है और वो विष उस अभयदत्त को ही पिला देता है। अभयदत्त वहीं मारा जाता है। अब यहां पर एक क्षण के लिए हम जरा इस विषय को सोचें कि यहां पर एक तरह से अभयदत्त की तो चूक है ही, दारू वर्मा वरवरक की असफलता थी, लेकिन जो अभयदत्त अच्छी तरह से कार्य कर सकता था उसने भी त्वरा में गलत कार्य किया कि कम से कम वह विष जब चाणक्य बैठा था तो चाणक्य के समय उनको नहीं पीने के लिए दिया जाना चाहिए था। दूसरा यह भी कहें कि एक संयोग था कि चाणक्य वहां बैठा था जिसकी दृष्टि गई, अन्यथा जो योजना है उस योजना के तहत चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु अवश्य ही थी। तो इसमें चाणक्य का कोई बौद्धिक उत्कर्ष नहीं देखता, बल्कि एक संयोग है, एक ये समय है
उस काल का ये परिणाम होता है कि चाणक्य की उपस्थिति यहां होती है और उनकी दृष्टि उस पर जाती है। तीसरा है प्रमोदक। ये प्रमोदक शयन कक्ष का अधिकारी है, अर्थात जिस कक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य शयन करेगा उस कक्ष की पूरी व्यवस्था प्रमोदक देखता है। उनका बेड ठीक से लगा है कि नहीं, कहीं जो पलंग है वो ऊंच नीच तो नहीं है, घर में पूरी व्यवस्था है कि नहीं, फैन है कि नहीं, एसी है कि नहीं, वेंटिलेटर है कि नहीं, मतलब आदि ये सारी व्यवस्था, अर्थात राजा सुखद नींद सो सके, उसकी पूरी जो जिम्मेवारी है वो प्रमोदक के ऊपर है। लेकिन यहाँ प्रमोदक के साथ एक नई परेशानी क्या हुई है मित्रों, ये सामान्य सी बात है कि जब भी किसी गुप्तचर को प्लांट किया जाता है तो उनकी सुविधा के लिए उनको प्रचुर धन दिया जाता है, और गुप्तचर की यह दक्षता होती है कि वह उस धन का प्रदर्शन नहीं करता। लेकिन प्रमोदक जो कि एक सामान्य अधिकारी था, अपने उस अधिकारी पद की मर्यादा के विरुद्ध बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहा था, लैविश लाइफ जी रहा था, मतलब जिसको कह सकते हैं कि शानो शौकत की जिंदगी जी रहा था। किसी भी व्यक्ति का सावधान होना यहां अपेक्षित है। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति, सामान्य अधिकारी जब आवश्यकता से अधिक धन व्यय करे तो यह स्पष्ट यह संकेत मिलता है कि जरूर यह व्यक्ति किसी गलत कार्य में लीन है। चाणक्य तो चाणक्य है, बुद्धि का वो, बुद्धि के प्रयोग में वो निपुण है, वो प्रमोदक को भी मरवा देता है यह सोच करके, ये कह करके कि तुम्हारे पास इतना अधिक धन आया कहां से। तो इस प्रकार प्रमोदक मारा जाता है। निसंदेह यह चाणक्य की नीति की सफलता है, चाणक्य की बुद्धि की सफलता है। दारुवर्मा, वरवरक और प्रमोदक विशुद्ध रूप से चाणक्य को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन एक समीक्षक की दृष्टि से अभयदत्त के संदर्भ में मैं चाणक्य को वह श्रेय नहीं देना चाहूंगा। इसके बाद एक दिन की बात है, चाणक्य उसे सोगांगा प्रासाद के निरीक्षण पे निकला हुआ था। पूरी सफाई है, सब चीज है, निरीक्षण पे निकला हुआ था तो उन्होंने देखा कि उस महल में कहीं से चींटियों की पंक्ति दिखाई आ रही, चींटियां आ रही हैं और सारे चींटियों के मुंह में चावल के दाने हैं। अब चावल मैं कह रहा हूं, हम उसे चावल को हटा दें, हम इतना कह सकते हैं कि अन्न के दाने हैं, ठीक है। पुनः यह बात आती है कि इस महल में यह अन्न का दाना कहां से, चींटी कहां से आ रही है। उनको लगा कि सुरंग में कुछ लोग रह रहे हैं, और सही में रात में सोते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर पर आक्रमण करने के लिए राक्षस ने बीभत्सक आदि गुप्तचरों को उस सुरंग में नियुक्त करवा दिया था, व्यवस्थापित करवा दिया था। अब इस जब उनको लगा कि ये चींटियां हैं और नीचे सुरंग से ये चींटियां आ रही और अन्न का दाना लेकर के आ रही है, तो जो रहने वाला व्यक्ति है वो मेरा अनुयायी, मेरा अनुचर, मेरा अनन्य तो हो नहीं सकता। मेरा से तात्पर्य है चाणक्य का अनुचर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि चाणक्य का अनुचर होता तो चाणक्य को ज्ञात तो होता कि नीचे रहने वाला जो है मैंने कुछ व्यक्ति को दे रखा है और उन्हीं के कमरे से ये चींटियां आ रही है। लेकिन ऐसा था नहीं, बिना किसी सेकंड थॉट के चाणक्य उसमें आग लगवा देता है। धुएं में आग से दम घुटने के कारण या जलने के कारण बीभत्सक के साथ और भी दो चार पांच दस गुप्तचर होंगे, वे सारे के सारे मारे जाते हैं। ये एक पक्ष केवल सूचनाओं का चल रहा है जो आहितुंडिक देता है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है? जब किसी व्यक्ति को पुनः पुनः उसकी असफलता को आप सुनाएंगे तो उनकी मनस्थिति कैसी होगी, उनका मनोविज्ञान कैसा होगा, यह सहज अनुमान किया जा सकता है कि राक्षस की उस समय की दशा क्या होगी। जिस किसी की भी मृत्यु होती है उन पे स्वाभाविक रूप से जो अफसोस है वो प्रकट राक्षस करता है। अब इसके बाद तीन नई सूचना है, और वह नई सूचना है कि इन तीनों सूचनाओं का विश्लेषण हमने प्रथम अंक के संदर्भ में कर रखा है, लेकिन एक तरह से यह पुनरावृत्ति ही है। चूंकि आहितुंडिक यह सूचना देता है राक्षस को, तो राक्षस के लिए नई सूचना है। हमने चाणक्य की योजना के तहत इन सूचनाओं को की जानकारी ली, तो वह चाणक्य की दृष्टि से जानकारी थी। अब यहां पर एक पहली सूचना है कि इंदु शर्मा, मित्रों बार बार हमने कहा है कि इंदु शर्मा राक्षस और
चाणक्य दोनों का मित्र है, चाणक्य का सहाध्यायी है, चाणक्य के साथ पढ़ने वाला है। लेकिन चाणक्य ने ही इस इंदु शर्मा को राक्षस में प्लांट किया और राक्षस से उनकी दोस्ती बढ़वाई, उनकी मित्रता बढ़वाई। तो इससे क्या हुआ कि राक्षस का विश्वास इंदु शर्मा पे हो गया। तो राक्षस ऐसा समझता है कि इंदु शर्मा उसका मित्र है, लेकिन दूसरा रूप इंदु शर्मा का यह है कि वो तो चाणक्य का मित्र है, चाणक्य का सहाध्यायी है और चाणक्य के लिए काम कर रहा है। अब ये जो इनका इंदु शर्मा का कार्य क्या था कि राक्षस ने जिस, देखिए प्रश्न उत्पन्न क्या होता है, अभी हमने देखा कि प्रमोदक की स्थिति मृत्यु किस रूप में होती है, बीभत्सक आदि की मृत्यु किस रूप में होती है, दारुवर्मा वरवरक की मृत्यु किस स्थिति में होती है और अभयदत्त की स्थिति किस रूप में होती है। लेकिन एक प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि चाणक्य ने विषकन्या को पर्वतेश्वर में कैसे प्लांट किया, पर्वतेश्वर के पास कैसे भेजा, या विषकन्या की जानकारी चाणक्य को कैसे हुई कि राक्षस ने विषकन्या को भेजा है चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए, इसकी सूचना कैसे चाणक्य को हुई। यहां पर यह इंदु शर्मा जो कि चाणक्य का मित्र है, सहाध्यायी है, उसने यह सूचना दी है चाणक्य को, और तदनुसार चाणक्य ने जिस कक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा होना चाहिए था पहले से ही उस कक्ष में पर्वतेश्वर को प्लांट कर दिया, या विषकन्या के मार्ग की दिशा बदल दी और विषकन्या ने पर्वतेश्वर की हत्या यह समझ करके की कि यह चंद्रगुप्त मौर्य है। लेकिन प्रत्यक्षतः क्या किया कि इंदु शर्मा के ऊपर में राष्ट्रद्रोह जो सिरेशन होता है, राष्ट्रद्रोह क्या कि इन्होंने राक्षस के साथ मिलकर के पर्वतेश्वर की जो विषकन्या है उस विषकन्या का प्रयोग पर्वतेश्वर में करवाया, इसलिए उनके ऊपर ये राष्ट्रद्रोह या कह सकते हैं कि राज्य के विपरीत, राजा के विपरीत आचरण करने के कारण इंदु शर्मा को वो नगर से बाहर भिजवा देता है, बाहर भिजवा नहीं देता है, भगा देता है सन अपमान पूर्वक। कह सकते हैं कि जैसे आजकल होता है कि टमाटर अंडे मार करके राज्य से भगाना, तो उसी तरह राज्य के सड़कों पे जब पीछे आती है चर्चा तो पूरी तरह से अपमान पूर्वक इनको वहां से हटाया जाता है, भगाया जाता है। दूसरा जो इनका मित्र है वह है शकटदास। दारुवर्मा या अभयदत्त या प्रमोदक, इन सारे लोगों की नियुक्ति कैसे हो गई चाणक्य के कार्यालय में, या चाणक्य के द्वारा इनकी नियुक्ति कैसे हुई। तो इसमें ये एक अभियोग लगाया जाता है शकटदास के ऊपर कि ये जितने भी गुप्तचर हैं, कौन कौन से गुप्तचर, दारुवर्मा, वरवरक, अभयदत्त, प्रमोदक, इसके साथ साथ विभत्सक, ये सारे के सारे जो गुप्तचर हैं, इन सारे गुप्तचरों की नियुक्ति शकटदास ने की है, शकटदास ने करवाई है। तो यह भी एक प्रकार से राजा का विरोध हुआ। और इतना बड़ा, इतनी बड़ी, आप समझ सकते हैं आज भी इसी प्रकार की सजा होती है जब हमारे राष्ट्र प्रमुख के ऊपर में कोई इस तरह का अभियोग करता है। शकटदास के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने राज्य के विरुद्ध में, राजा के विरुद्ध में ये नियुक्ति, उनको मरवाने के लिए इन सारे गुप्तचरों की नियुक्ति करवाई, उनको फांसी की सजा दे दी जाती है, फांसी का दंड दिया जाता है। मित्रों आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक सूचना यही है कि हम लोग सभी जानते हैं कि शकटदास को केवल फांसी की सजा होती है, उनको वध्य भूमि पर ले जाया जाता है, उनके गर्दन में फांसी के फंदे डाले जाते हैं, लेकिन उनको फांसी होती नहीं है। पीछे पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी आगे भी इसकी चर्चा आएगी, इस क्रम में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो राज शकटदास को फांसी दिलवा दिया जाता है। और जो तीसरा मित्र चंदन दास है, जिसकी पूरी व्याख्या कर चुके हैं, उनके ऊपर भी राक्षस के परिवार के को छिपाने के आरोप में, राक्षस के परिवार को छिपाने के अभियोग में, उस चंदन दास को पूरे परिवार सहित उनके पूरे धन संपत्ति को सीज करके कारागार में डलवा दिया जाता है। तो ये तीन सूचना प्राप्त होती है आहितुंडिक के माध्यम से, तीन और पीछे की सारी सूचना आहितुंडिक के माध्यम से राक्षस को। अब यहां पर एक विश्लेषण का विषय उत्पन्न होता है। हमने ये एक कहानी आपके सामने रखी सेकेंड एक्ट की, क्या क्या घटना घटी इस बीच में। मित्रों मूल रूप से प्रश्न यह उत्पन्न होता है, जिसकी चर्चा मैंने बार बार की है, कि भले ही शकटदास ने सारे गुप्तचरों की, राक्षस के सारे गुप्तचरों को नियुक्ति दी होगी, लेकिन शकटदास को वो अधिकार कहां है कि वो गुप्तचरों को नियुक्त करेगा, एक। और अगर उन गुप्तचरों को चाणक्य का विश्वस्त बना रहा है, और चाणक्य उस विश्वास के आधार पर यदि अभयदत्त
को चंद्रगुप्त मौर्य का पर्सनल डॉक्टर नियुक्त करता है, प्रमोदक का उनको बेडरूम का कह सकते हैं सुपरवाइजर नियुक्त करता है, बीभत्सक सुरंग में आकर के रहने लगता है, दारू वर्मा तोरण द्वार बना लेता है और हथिनी का महावत वरवरक बन जाता है। तो ये असफलता राक्षस की नहीं है, ये असफलता चाणक्य की है। इसीलिए मैं पुनः पुनः कहता हूँ कि चाणक्य की उस बुद्धि का विश्लेषण होना चाहिए जिसकी कि वो आत्म प्रशंसा करता रहा है प्रथम अंक में। चाणक्य जैसे व्यक्ति से इस प्रकार की गलती कैसे हो सकती है कि ये सारे गुप्तचर उनकी आंखों में धूल झोंक करके, और जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, जितने भी ऐसे पद हैं जिनका कि साक्षात संबंध केवल और केवल चंद्रगुप्त मौर्य से हो, तो ये चाणक्य की बौद्धिक असफलता है। इसलिए इसको देना समझना चाहिए कि ये राक्षस की नीति कितनी प्रमुख है, राक्षस की राजनीति कितना महत्वपूर्ण है, राक्षस की बौद्धिक क्षमता कितना तेज है। सफलता और असफलता का जब विश्लेषण होगा तो वह गुप्तचर निष्ठ हो जाएगा। क्योंकि जो इंदु शर्मा तथा कथित रूप से राक्षस का मित्र है, उस इंदु शर्मा ने राक्षस के साथ मित्रता का निर्वाह नहीं किया। ठीक है, वो चाणक्य का गुप्तचर है इसलिए चाणक्य के अधीन है। जितने भी इनके अधिकारी, जितने भी इनके गुप्तचर हैं, वे अपने प्रमाद के कारण, अपनी लापरवाही के कारण वो मारा जाता है। इसमें राक्षस की कहीं अयोग्यता नहीं है, राक्षस की असफलता नहीं है, क्योंकि राक्षस ने अपनी बुद्धि की समग्रता को से चाणक्य को पराजित कर दिया। चाणक्य यहां पर परास्त चाणक्य है। अगर चाणक्य यहां पराजित नहीं होता तो तीसरे अंक में उनको कृतक कलह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि राक्षस ने अपनी नीति से कौटिल्य, चाणक्य की नींद गायब कर दी है, इसीलिए व्यक्ति के सपने में भी पुनः पुनः राक्षस ही आता है। अस्तु, तो ये एक टिप्पणी है। आप लोग भी यदि रुचि रखते हो, यहां पे साहित्यिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है, यहां पर राजनीतिक समीक्षा की आवश्यकता है कि उस कहानी को पढ़ें, उस राजनीति को समझें, जो राजनीति चाणक्य और राक्षस के मध्य की राजनीति है, कौन बड़ा कौन छोटा, इसका जहां हम विश्लेषण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से चाणक्य जो बुद्धि की बात करता है उससे किसी भी रूप में राक्षस न्यून नहीं है, कम नहीं है, असफल नहीं है। सारी सूचना देकर के, इन सारी सूचनाओं के बाद आहितुंडिक चला जाता है, और आहितुंडिक के जाने के बाद नहीं, आहितुंडिक जैसे ही शकट दास की, आहितुंडिक अभी जाता नहीं है, आहितुंडिक जैसे ही शकट दास की सूचना देता है कि शकट दास को फांसी हो गई, उसके कुछ ही क्षण के बाद सिद्धार्थक शकट दास के साथ प्रवेश करता है। इससे पहले कि सिद्धार्थक के प्रवेश का मैं विश्लेषण करूं, पुनः आहितुंडिक के ऊपर में यह टिप्पणी आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि आहितुंडिक ने अपना कार्य सही रूप से नहीं किया है। आहितुंडिक भी प्रमादी है, आहितुंडिक ने भी अपने कार्य के साथ उपेक्षा की है, क्योंकि जिनको गुप्तचर का कार्य सौंपा गया था, जिनको सारी सूचनाओं को एकत्रित करके लाने का कार्य सौंपा गया था, वो विराधगुप्त एक गलत सूचना लेकर के आ जाता है राक्षस के पास, और राक्षस को कह बैठता है कि शकट दास को फांसी हो गई, मतलब शकट दास अब नहीं है, शकट दास की मृत्यु हो गई है। और उसी क्षण सिद्धार्थक प्रवेश करता है शकट दास को लेकर के। दुखद पक्ष यह है कि मैं बार बार कहता रहा कि राक्षस एक मानव है, दया करुणा इन भावों से युक्त है, छल कपट वो नहीं करता अपने मित्रों के साथ, मित्रों के ऊपर वह अविश्वास नहीं करता। तीन मित्र आप देखेंगे, शकट दास, इंदु शर्मा और विराधगुप्त, मानो इन्हीं के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राक्षस की समग्र राजनीति चल रही है। लेकिन विराधगुप्त ने गलत सूचना दी, इसका ना तो वो अन्वेषण करता है, ना ही उनको वह दंड देता है, ना ही उनकी वो पुनः उनकी समीक्षा करवाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही शकट दास प्रवेश करता है, राक्षस की भावना की दिशा मुड़ जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को, जिस मित्र को उन्होंने मृत समझ रखा था, वो साक्षात उसके सामने खड़ा है। शकट दास को देख करके राक्षस के आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। मैंने पहले ही कहा, दया और करुणा भाव से युक्त यह एक कुशल राजनीतिज्ञ राक्षस है। तो विराधगुप्त की सूचना के क्षण ही शकट दास सहित सिद्धार्थक का प्रवेश होता है। मित्रों, अब
क्या होता है कि राक्षसकरदास अपनी सारी घटना सुनाता है वहां पर कि इस मेरे मित्र ने मेरी रक्षा की है, सिद्धार्थक ने शकरदास की जान बचाई है। तो स्वाभाविक है जो जान बचाने वाला होता है, जो प्राणों की रक्षा करने वाला होता है, वो आवश्यक रूप से मित्र का मित्र बनेगा ही। अर्थात ये एक और योजना है चाणक्य की जो कि सिद्धार्थक को प्लांट करता है राक्षस के घर में। हम आपको सर इंटरप्ट करना चाहते हैं, हमारे पास एक कॉल है वाराणसी से। हेलो नमस्कार, आप अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी मेरा नाम पवन है। पवन आपका स्वागत है, प्रश्न बताइए। जी मैम, मेरा मैं सर से मुद्रा राक्षस नाटक की आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से समीक्षा चाहता हूँ। सर ये चाहते हैं कि मुद्रा राक्षस की आधुनिक लेखकों मतलब आधुनिक जो है समीक्षा। मित्रों दो तीन पवन जी, ये जिज्ञासा निस्संदेह बहुत अच्छी जिज्ञासा है। मैं एक क्षण के लिए ये कहूँ कि अभी तक के द्वारा जो दी गई मेरी व्याख्या है उससे संबद्ध नहीं है, लेकिन ये बहुत बढ़िया जिज्ञासा इसलिए है कि ये पुनः एक प्रश्न हो जाता है कि मुद्रा राक्षसम पर क्या आधुनिक समीक्षा हो रही है। अगर आप मेरी पूरी व्याख्या को आप पढ़ेंगे तो यह आपको आधुनिक समीक्षा ही है, क्योंकि जो भी आज तक की समीक्षा है उसके विपरीत मैं इसकी स्थापना कर रहा हूं। लेकिन ये दुखद पक्ष है संस्कृत साहित्य का कि हम लोगों ने कालिदास से बाहर किसी अन्य कवि अन्य किसी काव्य के ऊपर में इतनी बड़ी समीक्षा या इतना बड़ा सेमिनार करने का प्रयास ही नहीं किया। अब आधुनिक समीक्षा कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन जैसे आपको मार्केट में मिलने वाली जो टेक्स्ट बुक किताब होती है ये सारी की सारी समीक्षा उनकी भूमिका में लिखी रहती है। सामान्य रूप से उसके नीचे जो दिए जाते हैं वो अनुवाद मात्र दिए जाते हैं, और इनकी भाषा की गंभीरता को लेकर के लोगों की रुचि भी इसमें नहीं रहती है। चूंकि ये वीर और राजनीति रस प्रधान है, समीक्षकों ने भी कभी इनके, अगर आप कहें तो जो प्राचीन समीक्षक हैं उन्होंने भी मुद्रा राक्षसन की समीक्षा उस रूप में नहीं की। आप जानते होंगे दश रूपककार धनंजय और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ को, इन दोनों ने भी जब काव्यों की समीक्षा की तो उन्होंने अपने काव्य में नाट्य समीक्षा की दृष्टि से वेणी संहार और रत्नावली के उदाहरण दिए, लेकिन मुद्रा राक्षसम के उदाहरण नहीं दिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको आधुनिक समीक्षा में रुचि है तो मेरे ही इस व्याख्यान को सुने जिसमें सर्वथा आपको नूतनता लगेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं पवन आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर महेश। तो मित्रों शकटदास के द्वारा सारी घटनाओं को सुनाया जाना, और वो घटना इस प्रकार सुनाई जाती है कि सिद्धार्थक ने किस प्रकार शकटदास की जान बचाई। पृष्ठ पेशन ना हो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पीछे के व्याख्यान में इसकी हमने बड़ी लंबी समीक्षा की है शकटदास के प्राणों की रक्षा के संदर्भ में। इसके बाद क्या होता है, शकरदास को देख करके राक्षस प्रसन्न होता है, और प्रसन्नता इतनी अधिक है कि अपने शरीर में जिस आभूषण को उन्होंने पकड़ पहन रखा है वही आभूषण उतार करके वह राक्षस सिद्धार्थक को दे देता है। मित्रों देखिए एक बार फिर से, ये एक मानव है, इस समय राक्षस एक राजनीतिज्ञ नहीं है। यदि वह चाहता तो इस आभूषण की रक्षा करते हुए कोई अन्य उनको तत्व पारितोषिक में दे सकते थे, लेकिन भावावेश में आकर के अपने गर्दन से उतार करके वो आभूषण सिद्धार्थक को दे देता है, और वो आभूषण वह आभूषण है जिसे मलयकेतु ने भिजवाया है कंचुकी के माध्यम से पहनने के लिए। अर्थात कहीं ना कहीं उसका संबंध उस मलयकेतु से है। अस्तु सिद्धार्थक को दे देता है। सिद्धार्थक एक निपुण गुप्तचर है, आप प्रथम अंक में भी सिद्धार्थक को आपने पढ़ रखा है, बड़े ही जिसको कहते तेज तर्रार, और यदि आम सहज सरल भाषा की बात करें तो शातिर दिमाग वाला है यह सिद्धार्थक। इसने क्या किया कि जैसे ही वो आभूषण देता है तो राक्षस कहता है, सिद्धार्थक कहता है कि सर ये आभूषण लेकर के मैं कहाँ जाऊंगा, ये अंगूठी है मेरे पास, इस अंगूठी से इस पे आप एक मुद्रा ये सील कर दीजिए और इसे आप अपने पास रखिए। और ये अंगूठी से सील करने का मतलब सिद्धार्थक जानता है कि यह अंगूठी राक्षस की है, लेकिन मानो अनजान बनते वो अंगूठी उसके हाथ में देता है, और यह देने की एक विधा है कि अंगूठी किसी ना किसी रूप में राक्षस तक पहुंचनी चाहिए ताकि राक्षस और अच्छी तरह से सिद्धार्थक के ऊपर में विश्वास करने लगे। और साथ ही
चूंकि भावावेश में है राक्षस, तो उस मनोविज्ञान का हम उपयोग कर सकते हैं ताकि वो अंगूठी इस पे सील कर देगा, तो राजकीय सील हो गया, राक्षस के द्वारा अनुमोदित वह हो गया। तो इस तरह से वो कहता है आभूषण रख दें, और आभूषण अपने पास उनके पास रखने का सिद्धार्थक निवेदन कर बैठता है। मुद्रा देख करके राक्षस आश्चर्यचकित होता है, और पुनः इंसारी के बाद वो शकट दास को वह अंगूठी दे देता है कि शकट दास को राजकार्य चलाने के लिए वो मुद्रा देता है। अर्थात आगे के जो जितने भी राजकार्य होंगे, जितने भी प्रशासकीय आदेश होंगे या जो भी राजकीय व्यवस्था होगी, उस तहत आप इस मुद्रा का उपयोग करना, सील करने में, ऑफिशियली मुहर लगाने में। पुनः सिद्धार्थक की एक और योजना है। चाणक्य ने आदेश दे रखा है कि तुम कुछ दिन राक्षस के पास ही ठहरना। अब कैसे राक्षस के पास ठहरेगा? ठीक है, राक्षस ने पारितोषिक दे दिया, राक्षस ने उनके आभूषण रख दिए, लेकिन राक्षस ने अभी तक ये नहीं कहा है कि अच्छा मित्र आप मेरे ही पास रहो। राक्षस अभिनय पूर्वक, सिद्धार्थक अभिनय पूर्वक राक्षस से निवेदन करता है कि अमात्य राक्षस, चाणक्य का मैं शत्रु बन चुका हूं, चूंकि मैंने शकट दास की रक्षा की है तो चाणक्य मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं आपसे अपनी प्राण की भीख मांगता हूं, और यदि संभव हो सके तो आप अपनी ही शरण में हमें कुछ दिनों के लिए रखें। स्पष्ट है जो चाणक्य का शत्रु है, जो प्रत्यक्ष रूप में चाणक्य के प्रति अपनी शत्रुता का भाव रखेगा, वह आवश्यक रूप में राक्षस का मित्र होगा। और हम सभी जानते हैं राजनीति में शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो इस प्रकार से राक्षस और सिद्धार्थक दोनों क्या हो गए? मित्र हो गए। चाणक्य की सारी योजना प्रतिफलित हो रही है। इस एक पक्ष को अच्छी तरह से समझना है। अब ये सारी बातें हो जाती है और ये शकटदास और सिद्धार्थक वहां से चला जाता है। पुनः विराधगुप्त, जिसे हमने बार बार आहितुंडिक कहा है, वो वहां विद्यमान है। ये सारी सूचना हो जाती है, लेकिन एक और नई सूचना देता है राक्षस और विराधगुप्त। और ये सूचना भी कहीं ना कहीं मानो आहितुंडिक के मनोमस्तिष्क से निकली हुई सूचना है, क्योंकि इससे पूर्व या कहीं ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता जिसके कारण हम यह कहें कि चाणक्य एवं चंद्रगुप्त के मध्य किसी भी प्रकार का भेद है, किसी भी प्रकार का कि लड़ाई चल रही है। आहितुंडिक यह कहता है कि ऐसा लग रहा है कि राजकार्य में कि चंद्रगुप्त और चाणक्य में मेल नहीं है, अर्थात चाणक्य की बातों की उपेक्षा करता है चंद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त जो है वो चाणक्य के अंतर्गत नहीं है, उदासीन रह रहा है। और दूसरी सूचना यह, उसके बाद इस सूचना का परिणाम यह होता है कि राक्षस ऐसा सोचता है कि इन दोनों के मध्य हम भेद उत्पन्न करें। इसी भेद उत्पन्न करने का परिणाम तृतीय अंक है, जिसे मैं अपने अगले व्याख्यान में आपके सामने रखूंगा, और वह कृतक कलह नाम से है, क्योंकि चाणक्य को भी यह ज्ञात होता है कि राक्षस उन दोनों के मध्य भेद करवाने की कोशिश करता है। मित्रों, हम अपने इस व्याख्यान को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग सुने, आपने प्रश्न किया, आप प्रश्न करते हैं, मुझे भी आनंद आता है उन प्रश्नों के समाधान में। इसी प्रकार आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करते रहें और हम लोगों को प्रेरणा और उत्प्रेरणा से आप लोग आगे बढ़ाते रहें। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्र। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस व्याख्यान को सुनने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको रोचक जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगली बार डॉक्टर मिश्र के साथ तीसरे अंक पर चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं इस व्याख्यान से जुड़े, तो आप हमें हमारे मेल आई डी पर लिख कर भेज सकते हैं। उसके लिए आप हमारा मेल आई डी नोट कर लीजिए, जो है info.cec@nic.in। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्र।